नमस्कार दोस्तों, राइजिंग इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप आगे देख सकते हो कि कैसे पाकिस्तानी अवाम का क्या सोचना है भारत और पाकिस्तान के करेंसी के बारे में। जहां पर भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए तो उनकी करेंसियां भी, उनका वैल्यू सेम ही था आज़ादी के बाद। पर आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी भारत के करेंसी के मुकाबले आधी से भी आधी रह गई है। तो इसका कारण वहाँ की अवाम का यह कहना है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम होते जा रहा है और उनका इंपोर्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बल्कि भारत का इंपोर्ट दिन ब दिन कम होते जा रहा है और एक्सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। यही कारण है कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया और पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर पड़ रहा है। आज एक डॉलर की कीमत 195 हो गई है पाकिस्तानी रुपये में, बल्कि भारत में यही मूल्य $1.70 रह गया है भारतीय पैसों में। तो क्या पाकिस्तान अपने डॉलर को 200 पार जाने से बचा पाएगा? वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपकी राय देना बिल्कुल भी ना भूले कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। पाकिस्तान की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है एज कम्पेयर टू इंडियन करेंसी, क्या वजह? इसकी काफ़ी डिफरेंट वजूहात हैं। अगर इसको आप स्टार्ट से शुरू करें, जहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो पार्टीशन के बाद जो है वो इकट्ठे सफ़र शुरू हुआ, तो वो बिल्कुल चीज़ें ऐसी नहीं थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कॉलोनियल पीरियड में यहाँ पे हुई थी, वो उसके जो जितने बड़े बड़े सेंटर्स थे वो पार्टीशन के बाद सारे इंडिया में थे, और जो हिस्से पाकिस्तान में आए ख़ासतौर पर पंजाब और बंगाल वगैरह थे, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उस तरह की रैपिड नहीं हुई थी। और दूसरा, अगर आप सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये बोला कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, आपका कहने का मतलब यह वो इंडिया के हिस्से में आ गई और पाकिस्तान को और बंगाल को नहीं मिली। अगर आपकी क्वेश्चन का मैं, आपकी बात का मैं आंसर इस तरीके से करूँ कि अगर बंगाल को नहीं मिली थी, बंगाल पाकिस्तान से बाद में सेपरेट हुआ, बांग्लादेश बना, वो फिर पाकिस्तान से आगे निकल गया, ये तो फिर कोई लॉजिक ना हुई। अगर उधर भी इंडस्ट्री नहीं थी, वो तो हमारे से लैदा होकर फिर हमारे से आगे निकल गया। नहीं, देखिए वो इस तरह नहीं था कि वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे टेक्सटाइल वगैरह की इंडस्ट्री जो है वो कॉलोनियल पीरियड से लेकर आज तक, मतलब मेरा बात करने का मकसद ये था कि जो हमें कॉलोनियल पीरियड से इंडस्ट्री मिली थी वो पाकिस्तान के इन एरियाज में कम थी। हाँ, बंगाल ने क्या चीज़ें की, उन्होंने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री लगाई। पाकिस्तान जो था वो यहाँ पे एक रेंटियर स्टेट के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी जो है उसको बिल्ड करने के लिए कोई इंडिजनस इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरह से रैपिड नहीं की गई जैसे कंपैरेटिवली बांग्लादेश और इंडिया में हुई। और उसके बाद ये था कि यहाँ के सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक सोर्स था वो था आपका एग्रीकल्चर। जब आपने पहली इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई 1954 में आई थिंक बनी थी, उस वक्त आपने जब 5 साल प्रोग्राम पहली इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, उसमें आपने ये प्लेज किया था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसकी कॉस्ट पे जो एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाया था उसको फिर आपने कवर नहीं किया, और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि आपका एग्रीकल्चर भी कहीं दरमियान में रह गया, उसको इंडस्ट्री भी बर्बाद, इंडस्ट्री में, और उससे क्या हुआ कि आपकी जो है वो जनरेशन जो है वेल्थ जनरेशन जो है जो आपकी कंट्री की थी वो कम होना शुरू हो गई, आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो कम थे, इसी वजह से आज तक आपका पैसा डिवेल्यू है। और दूसरा, आज तक आप जो है वो फॉरेन एड पर चल रहे हैं, पहले अमेरिका की एड आई, बीच में सोवियत यूनियन ने आपको, मतलब ये जो रेलवे वगैरह की इंडस्ट्री है या स्टील मिल वगैरह है ये आपको सोवियत यूनियन ने लगा के दी, उसके बाद अफगान वॉर पे, मतलब आपने कोई बुनियादी कोई ऐसी कोई भी रिफॉर्म्स नहीं की, लैंड रिफॉर्म्स नहीं की आपने, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं की आपने, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, जिसके नतीजे में आज तक आपकी जो पावर वेल्थ जनरेशन है, जो वेल्थ जनरेशन है वो बहुत ज्यादा कम है और फॉरेन रिजर्व्स कम है, जिसके नतीजे में आपको आज भी मसाइल जो है वो फेस। आपकी बात अगर कंक्लूजन किया जाए तो आपका कहने का मतलब यह है कि कोई पॉलिसी ऐसी जबरदस्त किस्म की नहीं बनी इकोनॉमी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर या वेल्थ को, वेल्थ सेक्टर को लेकर कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं बनी कि जिसपे काम करके हम जिसको फॉलो करके आगे बढ़ते। बहुत अथेंटिक और लॉजिकल बातें की हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमजद इस्लाम। अमजद इस्लाम साहब, क्या करते हैं?
मैं पढ़ाता हूँ। जबरदस्त सर, आज का हमारा टॉपिक, आज का क्वेश्चन ये है कि तो पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो बहुत कम हो चुकी है एज कम्पेयर टू इंडिया, यानी कि हमारा एक रुपया उनके आधे रुपए से भी कम है। आई थिंक 2.5 जोन है ना उनका रेट है अगर बात की जाए, और 0.41 हमारी एक रुपए की वैल्यू है उनके एक रुपए के बराबर मुकाबले में। क्या रीज़न समझते हैं इसमें? जो पहली बात तो मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो जो उन्होंने उनका मतलब इकोनॉमी को लेकर जो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का की जो रेशियो है ना, तो वो जो मैटर करती है ख़ास तौर पर कि उनके यहाँ जो पैसा है, मनी है या इकोनॉमी है, वो खुद वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वो जनरेट तो हम, ज़रा एक्सप्लेन करिएगा हम क्यों, हम नहीं खुद जनरेट कर रहे हैं, हम क्या मतलब? नहीं नहीं, हम हमारे यहाँ तो उस तरीके से मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई नहीं ना, ठीक है, और उस तरीके इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुई। ठीक है, हमारे यहाँ उसकी बहुत सारी पॉलिटिकल रीजंस हैं, लेकिन इंडिया में मतलब एक ख़ास पर्सपेक्टिव में, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है और वहाँ की आबादी भी है, तो वहाँ ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों की खपत भी है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने, उनकी पॉलिसी ऐसी हैं, उनकी पॉलिसीज़ कई इस तरह की हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, वो ज़्यादा किया है, ठीक है, पिछले कुछ सालों में, और इम्पोर्ट चीज़ें कम की हैं। ठीक है, तो इस वजह से होममेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी, नहीं होममेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो पैसे की वैल्यू जो है वो बढ़ाती हैं कि आप बाहर से कितना मतलब ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। ठीक है, कि चीज़ें कितनी आप बाहर से खरीद रहे हैं दूसरे में, ज़ाहिर आप ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर है उसकी आपको पे करनी पड़ेंगी ना। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी चीज़ें बनाकर बाहर बेचते हैं तो ज़ाहिर है आपकी जो सादा तरीके से अगर हम कहें कि पैसे की जो वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो इंडिया जो है वो इस मामले में उनके काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ये है कि वो चीज़ें जो है वो खुद जनरेट कर रहा है, जो है पैसा जनरेट हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, एक ग्लोबली जो मतलब मार्केट का जो तसव्वुर होता है, मंडी का जो तसव्वुर है, उसमें वो चीज़ें बना रहा है और वो एक्सपोर्ट कर रहा है जो बाहर के ममालिक में। ठीक है, कई चीज़ आपको क्या लगता है, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की, लेकिन अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से उसके पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है ये भी कोई फैक्टर है? पॉपुलेशन ज़्यादा या कम होने से नहीं है, लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मुल्क भी काफ़ी रकबे के लिहाज से, मसाइल भी वैसे ही होंगे, फिर उसके मसाइल भी उस तरीके से ज़्यादा होंगे, लेकिन मसला ये होता है ना कि जो पॉलिसीज़ होती हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस सारे फिनोमेना में ना। ठीक है, तो जो ख़ास तौर पर जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है वो किस तरह के फैसले लेती है। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम शाहिद मंजूर। शाहिद मंजूर साहब, शाहिद मंजूर साहब, मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपना सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया, इकॉनमी वाइज अलहदा मुल्क दोनों बने 1947 में, और 1947 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू, यानी इंडिया का जो रुपया था और हमारा जो पाकिस्तान का रुपया था, दोनों की वैल्यू एक जैसी थी। आज 2022 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू हमारे से डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, क्या वजह? ब्रदर, सबसे पहले ये है कि हम हर चीज़ जो है ना बाहर से खरीदते हैं और डॉलर में खरीदते हैं, पाकिस्तानी करेंसी दे के डॉलर लेते हैं, फिर डॉलर पे हम आगे चीज़ खरीदते हैं, और हमेशा उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की है जिनकी जो है ना इंपोर्ट जो है ना वो कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, जो चीज़ें पैदा बना के बाहर के मुल्कों को भेजें डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और हमारे इंडस्ट्री जो है यहाँ तो एनर्जी का बहुत बहरान है, तो एनर्जी जब सस्ती होगी तो हमारी प्रोडक्ट सस्ती होगी ना, हमें तो प्रोडक्ट्स ही बहुत महंगी पड़ रही हैं, तो हम महंगी प्रोडक्ट बना के बाहर सस्ती कैसे बेचेंगे, और बाहर के लोग तो हमसे तब लेंगे ना जब क्वालिटी अच्छी और मियारी होगी और सस्ती चीज़ होगी, तो हमारी ना तो चीज़ मियारी है और ना सस्ती है, हमें तो एक तो अपने मियार पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चीज़ जो बनानी चाहिए वो बिल्कुल रिलायबल बनानी चाहिए और उसकी क्वालिटी हो, सेकेंडली जो है ना एनर्जी सोर्सेज गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं सस्ते, जैसे कि हाइडल हो गया, थर्मल हो गया, हमारे यहाँ पिछली हुकूमतों ने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, पावर प्लांट्स काफ़ी लगाए हैं आईपीपी के नाम पे, लेकिन वो सारे जो है ना वो डीजल और गैस के हैं, थर्मल का नाम दिया गया है लेकिन थर्मल पर चलते नहीं है, कोयला सस्ता है, कोयला पर बिजली बनाएंगे तो बिजली सस्ती बनेगी और इंडस्ट्री को बिजली सस्ती मिलेगी, रिलीफ मिलेगा और प्रोडक्ट सस्ती बनेगी। आपका कहने का मतलब यह है कि एनर्जी पे फोकस किया जाए, जितनी एनर्जी हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, जितनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही ज़्यादा बिजली पैसा सस्ती होगी, उतनी ही इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा,
वो प्रोडक्ट्स की जो लागत है वो कम होगी और बाहर भेजने में उन्हें कोई मसला नहीं होगा। ऐसे तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लोग नहीं खरीदते, इतनी महंगी है, तो बाहर के लोग कैसे खरीदेंगे? और फिर वही चीज़ें हम जब बाहर से खरीदते हैं तो पाकिस्तानी अब 190 रुपए के करीब डॉलर है, ठीक है। अब मतलब कि एक जेल ही मंगवानी है, मैंने मूछों पे जेल लगवानी होती है, वही मंगवानी हो तो वो $40 की मिलती है, जबकि अगर यही बने तो वो मेरा ख्याल है कि 200-300-500 रुपए की मिलनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बनेंगे $2-3। इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं भाई जो हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। फिर बाहर से हम ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, वो भी हमारा महंगा है, ठीक है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें की आपने, मैं भी यही चाहूँगा कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क आगे बढ़े आपकी मूछों की तरह।